कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब 16 से 20 आयत तक। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और यह कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसके क्या मायने हैं, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, और उसने उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। सेंट पीटर एंड पॉल कैथेड्रल फैसलाबाद। फादर आबद तनवीर की तरफ से आप सब सुनने वालों को सुबह का सलाम और आज के दिन की ढेरों बरकात मुबारक हूँ। पाशका के छठे हफ्ते की जुमेरात की पाक तलावतों पर ध्यान ज्ञान। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की पाक अंजील जो हमने सुनी है गुज़श्ता दिनों का तसलसल है। तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूह कुदस जो तुम्हारी वकालत करेगा। रूह हक सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा। आज की पाक अंजील की मरकसी आयत जिसमें हमने सुना कि तुम गमगीन तो हो मगर तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। मसीह खुदावन ने शागिर्दों को तसल्ली और इत्मीनान देने की बात की है, इसलिए अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से अभी पूछ लें, वक्त गुजर जाएगा। फसल और बरकत के मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए उन्हें हाथ से जाने ना दें। मसीह खुदावंद की मौजूदगी उनके लिए बरकत का बायस है, तसल्ली और इत्मीनान का सबब है। वो मसीह खुदावंद को जुदा होते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन मसीह खुदावन की मौत के बाद वो उसे देख ना सके, मगर वो सारा मंजर उनकी आंखों के सामने घूमता था। वो इसको भूल नहीं सकते हैं। अपने सऊद के मौका पर वो उनसे जुदा हुआ, बादल ने उनकी नजरों से उसे छुपा लिया और उन्होंने उसे फिर कभी ना देखा।
लेकिन बहुत जल्द वो उसे दोबारा देखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे देख लोगे। मौत के बाद जी उठने पर शागिर्दों के दरमियान जिंदा साहिर हुआ। थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर के लिए हम जुदा होंगे, मगर हमेशा के लिए नहीं। जिस तरह मसीह खुदावंद ने दुख उठाया, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह हम भी उसके साथ जी उठने का तजर्बा करते हैं। इसलिए जामे की किताब का मुसन्नफ लिखता है, हर अमर के लिए एक मौका और हर गर्ज के लिए आसमान के नीचे एक वक्त है। पैदाइश और मौत, खुशी और गम, हर एक चीज के लिए वक्त मुकर्रर है। लिहाजा वक्त को गनीमत समझकर उससे भरपूर फायदा उठाएं। आइए हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, इस बात पर गौर करें, तुम गमगीन तो हो मगर तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। ये गहरा इरफान है, ये भेद की बात है। ईमानदारों को खुशी और गम इस लिहाज से होता है कि वो मसीह को देख रहे हैं या नहीं। आइए जिंदा यीशु को अपने दरमियान महसूस करें और जहां भी जाएं उसे दूसरों पर मुनकशिफ करें। खुदावंद हमें हिकमत और पाखरू अता करें ताकि हम उसके भेदों को समझ लें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और हमेशा उसमें शादमान रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।